हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ये आईबीपीएस क्लर्क 2017 एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं और इसमें हम नए पैटर्न के जो स्पॉटिंग एरर्स पूछे गए थे वो हम डिस्कस करेंगे और इसकी मदद से आपको सारे बैंक क्लरिकल एग्जाम्स में क्या ट्रेंड चल रहा है और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर्टिकुलरली स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस, तो वो एक आइडिया आपको लगेगा। अगर 247 की कोई सी भी टेस्ट सीरीज आप लेना चाहते हैं किसी भी एग्जाम की, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से इनको आप ले सकते हैं। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, ये है क्वेश्चन 2017 के, एक सेंटेंस आपके सामने दिया है और इसमें इस पूरे सेंटेंस में इस पूरे सेंटेंस को पांच पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ए बी सी डी चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इन चार पार्ट्स में से दो पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, तो उस एरर को आपको फाइंड आउट करना है और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपका आंसर होगा। जैसे आपका आंसर हो सकता है सी एन डी, बी एन डी, डी एन डे, ए एन बी एंड ऑल ऑफ द अबव। यहां पे नन ऑफ द अबव का भी ऑप्शन मिल सकता है आपको और ऑल ऑफ द अबव का भी ऑप्शन मिल सकता है। तो इस पूरे सेंटेंस में दो गलतियां हैं, तो यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और ये फिगर आउट करना चाहते हैं कि कितनी आपकी तैयारी है और इस तरह के क्वेश्चंस के साथ आप कितना कंफर्टेबल हैं, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि इस वीडियो को आप पॉज कर दें। पॉज का एक बटन होता है उसमें, उससे वीडियो को आप पॉज कर दें और इस क्वेश्चन को अपने आप करें पहले आप। ठीक है, अपने आप गलती निकालने की कोशिश करें, उसके बाद हम इस पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसमें कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा रीज़न के साथ। ठीक है, तो अब आप इस वीडियो को पॉज कर दें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें गलती कहां पर है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सजेशन, देखिए ये सजेशन जो है ये किसका है, ये सजेशन है सुप्रीम कोर्ट का, तो कोर्ट के बगल में यहां पर अपोस्ट्रोफी एस इसमें आना चाहिए, ये इसमें गलती है। सुप्रीम कोर्ट सजेशन ना बोलते हुए हम इसमें बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट्स सजेशन। ठीक है, तो एक गलती तो इसमें ए पार्ट में आ गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट सजेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू ब्रिंग ए लॉ, मतलब सुप्रीम कोर्ट का सजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को किस लिए, सुप्रीम कोर्ट का जो सजेशन दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को वो किस लिए है, उसका पर्पस क्या है, टू ब्रिंग ए लॉ, टू ब्रिंग ए लॉ, एक लॉ लाना। अब इस लॉ लाने का पर्पस क्या है, टू ब्रिंग ए लॉ, तो लॉ लाने का पर्पस को हम बताने के लिए, देखिए यहां पर क्या लिखा है, टू ब्रिंग ए लॉ ऑफ रेगुलेट। तो लॉ ऑफ रेगुलेट का क्या मतलब है, लॉ ऑफ रेगुलेट का कोई मतलब नहीं है, और यदि लॉ ऑफ रेगुलेट आप लिखना चाहते हैं तो फिर रेगुलेट में आपको एनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद हम वर्ब के एनजी फॉर्म लगाते हैं, तो यहां पर होना चाहिए, एक्चुअली यहां पर आपका होना चाहिए टू ब्रिंग ए लॉ टू रेगुलेट, एक लॉ लाएं जो रेगुलेट करे लीगल प्रोफेशन को। ठीक है, तो यहां पर देखिए कितनी माइनर मिस्टेक है, तो यहां पर एक गलती इसमें ये है। तो अब आप देखिए यहां पर एक्चुअली ग्रामर का ज्यादा रोल नहीं है, जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चंस जो है ये एक्चुअली रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब जितनी ज्यादा आप रीडिंग करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की, चाहे वो न्यूज़पेपर के थ्रू करें, चाहे आप मैगजीन्स के थ्रू करें, चाहे नॉवल के थ्रू करें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें आपको एक सेंस क्रिएट हो जाता है कि कहां पर किस सेंटेंस में कहां पर ग्रामेटिकल एरर हो सकती है। जैसे आपने यहां पर पढ़ा तो मैंने देखते ही इसको बता दिया कि कोर्ट के आगे सजेशन, कोर्ट और सजेशन में यहां पर अपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये सजेशन है, और टू ब्रिंग ए लॉ, लॉ लाना, लेकिन लॉ लाने का पर्पस क्या है, तो पर्पस को हम बताते हैं टू के द्वारा, टू ब्रिंग ए लॉ टू रेगुलेट, टू ब्रिंग ए लॉ टू रेगुलेट लीगल प्रोफेशन एंड कैप लॉयर्स फीस। देखिए यहां पर भी अपोस्ट्रोफी एस दिया हुआ है, और जब नाउन में ऑलरेडी एस लगा रहता है, जब नाउन में ऑलरेडी एस लगा रहता है तो फिर हम केवल अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस नहीं, इसको भी आप ध्यान रखिए। एम्स टू एड्रेस डिफिकल्टीज दैट पुअर फेस इन एक्सेसिंग जस्टिस, एड्रेस का मतलब उस चीज को सॉल्व करना, उस चीज का सामना करना। ठीक है, तो इसमें हम क्या बता रहे हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक सजेशन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि लॉयर्स की जो फीस है उसके ऊपर एक कैप लगाई जाए कि उससे ज़्यादा फीस वो नहीं चार्ज कर सकते, क्योंकि जो लोग पुअर हैं इस सिचुएशन में, जो लोग पुअर हैं उनको फिर वो उन लोगों को हायर नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा फीस होगी वकीलों की और उनकी सर्विसेज वो नहीं ले पाएंगे।
तो जस्टिस एक्सेसिंग जस्टिस मतलब जस्टिस को रीच करने में पुअर लोग ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाएंगे यदि लॉयर लोगों की फीस ज़्यादा होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? इसमें आंसर होगा ए एंड बी, क्योंकि दो गलती हैं ए और बी पार्ट में, तो इसलिए आंसर क्या होगा? ए एंड बी। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। यहाँ पर भी देखिए आंसर फोर एक्सप्लेनेशन में मैंने दिया है, और इसमें मैंने डिटेल में आपको आंसर का रीज़न भी लिखा है कि रिप्लेस कोट विथ कोट्स एंड रिप्लेस ऑफ विथ टू। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना होता है। और यदि आप रेगुलर बेसिस पर रीडिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये ज़्यादा कठिन नहीं है। क्लरिकल के क्वेश्चंस इनको आसानी से आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स प्रॉम्प्टेड बाय एब्सेंस ऑफ लॉयर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज कर दें और इस पूरे क्वेश्चन को देखें, आप खुद इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका आंसर। फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स प्रॉम्प्टेड बाय एब्सेंस ऑफ लॉयर, इस पर्टिकुलर फ्रेज का क्या मतलब है? इस पर्टिकुलर फ्रेज का मतलब यह है कि जैसे कभी कभी लॉयर नहीं आते या जज नहीं आते, तो कोर्ट को एडजर्न कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। ठीक है, तो फ्रिक्वेंट एडजर्नमेंट्स का मतलब है कि एडजर्नमेंट जो है ये यहाँ पर नाउन है, फ्रिक्वेंट यहाँ पर एडजेक्टिव है। अक्सर होने वाले जो एडजर्नमेंट्स होते हैं वो किस चीज़ के द्वारा प्रॉम्प्ट होते हैं, किस चीज़ के द्वारा वो उनको किया जाता है? दे आर प्रॉम्प्टेड, मतलब इस चीज़ से फर्क पड़ता है उन पर। ठीक है, दे आर प्रॉम्प्टेड बाय एब्सेंस ऑफ लॉयर्स, क्योंकि लॉयर्स एब्सेंस रहते हैं। ठीक है, नॉन फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट और स्ट्राइक्स आर अ बिग कॉज ऑफ हार्डशिप टू पुअर लिटिगेंट्स हु लूज वेजेस, इनकर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड लॉयर फीस इन ट्रेवल टू कोर्ट्स। तो इस पूरे सेंटेंस को आप पूरा आराम से पढ़ें, इसका अर्थ निकालने की कोशिश करें, कहाँ कहाँ पर इसमें एरर हो सकती है आपको ये बताना है। तो अब मैं बताता हूँ इसको हम डिस्कस करते हैं, इसके आंसर्स देखते हैं। देखिए फ्रिक्वेंट एडजर्नमेंट्स, तो ये तो सही है, प्रॉम्प्टेड बाय एब्सेंस ऑफ लॉयर्स। बहुत सारे लॉयर्स जो हैं वो छुट्टी कर देते हैं और कोर्ट में नहीं आते हैं, इसकी वजह से कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स रहती हैं उनको स्थगित करना पड़ता है। एडजर्नमेंट्स मतलब स्थगित करने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं एडजर्नमेंट्स, ये नाउन है यहाँ पर। फ्रिक्वेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है, जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। नॉन फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, देखिए नॉन फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, जब हम केस लड़ते हैं तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट नहीं होता, हमारे पास काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आपका ये जो वर्ड है ये गलत है, देखिए कितनी माइनर मिस्टेक है। और ये मिस्टेक ग्रामर से रिलेटेड नहीं है, ये रीडिंग से रिलेटेड है। तो डॉक्यूमेंट्स एक गलती हो गई, यानी बी पार्ट में इसमें गलती हो गई। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्राइक्स, आर तो सही है क्योंकि आर किसके साथ लगा हुआ है जी? एडजर्नमेंट्स के साथ। एडजर्नमेंट कैसा है? प्लूरल है, तो इसलिए आर यहां पर सही है। आर ए बिग कॉज ऑफ हार्डशिप, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, बहुत बड़ी चिंता रहती है जो पुअर लिटिगेंट्स रहते हैं, जो जिन लोगों के पास फीस देने के पैसे नहीं रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, केस लड़ते हैं, उनके लिए काफी ये प्रॉब्लम रहती है। पुअर लिटिगेंट्स हु लूज वेजेस, उनकी जो फीस है, वकील की फीस जो है वो बेकार चली जाती है। हु लूज वेजेस, इनकर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि बार बार उनको आना पड़ता है, घर से लेके कोर्ट आना पड़ता है, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी खर्चा होता है। इनकर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड लॉयर फीस इन, अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि इन जो प्रपोजिशन है इसके बाद हम वर्ब के एनजी फॉर्म नॉर्मली लगाते हैं, तो यहां पर ट्रेवल ना होते हुए ये होगा ट्रेवलिंग। ठीक है, तो एक आपका बी पार्ट में गलती है और एक आपका डी पार्ट में गलती है, दो इसमें गलती हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सेकंड। और यहां पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट के स्थान पर हम डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे और ट्रेवल के स्थान पर हम ट्रेवलिंग लगाएंगे, और क्यों लगाएंगे इसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि डॉक्यूमेंट्स हम बोलते हैं जब हम किसी को प्रोसीड करते हैं, प्रोसीडिंग जो होती है कोर्ट की उसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो इसको हम डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे और इनके साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग यहां पर करेंगे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम 2018 के लिए मैं एक श्योर सक्सेस टारगेट बैच स्टार्ट कर रहा हूं,
और इसमें लास्ट डेट जो है ज्वाइन करने की वो 16 अक्टूबर 10 बजे तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। 15 तारीख 4 बजे से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और इसमें मैं पूरा प्री और मेंस का इंग्लिश और पूरा करेंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जी के आपको पढ़ाऊंगा। इस कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी वो 5 महीने रहेगी, इसमें आपका पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस रहेंगे, कंप्लीट सिलेबस रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, मॉक टेस्ट एंड स्ट्रेटजी वीडियोस रहेंगे। इसकी जो फीस रहेगी वो 1650 रुपये रहेगी GST और सारे मिला के। इसमें आपको दो बेनिफिट और मिलेंगे, एक तो आपको इसमें 894 रुपये की ई बुक्स फ्री मिलेंगी और अड्डा 247 की 499 रुपये की टेस्ट सीरीज भी आपको इस कोर्स के साथ फ्री मिलेगी। तो इस कोर्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट जम्मू कश्मीर बैंक क्लरिकल का एग्जाम दे रहे हैं या भर रहे हैं उसका फॉर्म जम्मू कश्मीर बैंक का, उसमें भी बैंक क्लरिकल की वैकेंसीज आई हैं और उसमें जो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा वो पूरी ऑल ओवर इंडिया में मिलेगा। तो उसका भी यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सेम कोर्स आपका दोनों एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, IBPS क्लर्क के लिए और जम्मू कश्मीर बैंक क्लरिकल के लिए और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी ये कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अड्डा 247 की जो टेस्ट सीरीज है वो केवल फर्स्ट 30 स्टूडेंट जो होंगे उन्हीं को प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं लेकिन टेस्ट सीरीज आपको अलग से लेना होगी। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। रादर देन वील्ड सच थ्रेट्स अगेंस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स विच केटर टू अ पर्टिकुलर क्लाइंटेल, क्लाइंटेल क्या होता है, क्लाइंटेल मतलब आपके जो ग्राहक होते हैं, आपके ग्राहकों का, आपके कस्टमर्स का जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड क्लाइंटेल। तो ये सिंगुलर नाउन है। अब यहां पर देखिए ए लगा हुआ है, ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और पॉज करने के बाद इस पूरे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं और उसके बाद आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका आंसर। देखिए यहां पर ए लगा हुआ है, ए का मतलब है क्लाइंटेल तो खैर नाउन है तो नाउन में तो एस नहीं लगेगा लेकिन पर्टिकुलर्स पर्स में एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि पर्टिकुलर क्लाइंटेल की हम बात कर रहे हैं, विशेष क्लाइंटेल, विशेष कस्टमर ग्रुप। तो इसलिए पर्टिकुलर्स क्या होता है, पर्टिकुलर्स आपके जो डिटेल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर्स, लेकिन यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर क्लाइंटेल, क्लाइंटेल जो है वो एक विशेष प्रकार का क्लाइंटेल है। तो यहां पर ये एस जो है ये गलत है, पर्टिकुलर क्लाइंटेल नहीं होगा, आप पर्टिकुलर क्लाइंटेल होगा। तो बी आपका ये हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मस्ट बी ऑन, ऑन के बाद हमने ING फॉर्म लगाया हुआ है, ये सही है। इम्प्रूविंग द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू ओपन इन मोर हेल्थ केयर ऑप्शन फॉर ऑल पीपल, देखिए ये आपका ऑप्शंस के साथ टू ओपन अप होना चाहिए एक्चुअली, यहाँ पर टू ओपन अप मोर हेल्थ केयर ऑप्शन, ओपन इन नहीं होता। तो ये डी पार्ट में भी इसमें गलती है, ठीक है। तो इसमें भी आपका आंसर जो होगा वो बी और डी होगा, हाँ बी और डी आंसर होगा। पर्टिकुलर्स के स्थान पर पर्टिकुलर आएगा और ओपन इन के स्थान पर ओपन अप का प्रयोग इसमें हम करेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक ये है कि एक एक वर्ड को आपको फोकस और पूरे ध्यान के साथ पढ़ना है और एक पार्ट जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर दूसरा पार्ट देखना है, फिर तीसरा पार्ट देखना है, एक एक पार्ट को आपको पार्ट बाई पार्ट आपको एनालाइज करते हुए जाना है कि यहां पर गलती हो सकती है, यहां पर गलती हो सकती है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स में किया है। आप चाहते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो आप वीडियो को पॉज कर दें और इस क्वेश्चन को करें। अब हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, फार्मर्स आर केपेबल ऑफ, ऑफ के बाद ING फॉर्म लगी है, केपेबल के बाद ऑफ आता है तो ये सही है, फार्मर्स के बाद आर लगा है ये सही है। फार्मर्स आर केपेबल ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट डिसीजंस, डिसीजंस नाउन है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, ठीक है। वंस दे हैव एडिक्वेट इंफॉर्मेशन एंड फार्मर्स आर केपेबल ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट डिसीजंस वंस दे हैव एडिक्वेट इंफॉर्मेशन एंड आर, क्योंकि फार्मर्स है तो इसलिए यहां पर आर होगा, यानी सी पार्ट में आपकी गलती है, आर फ्रीड फॉर्म स्टाइफलिंग कंट्रोल्स। हु क्यों आ रहा है यहां पर, ये हु क्योंकि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है और हु आता है पर्सन के लिए, उसका जो एंटीसीडेंट होता है वो पर्सन होना चाहिए, उसके लिए ही आता है, ठीक है। तो यहां पर हु किसके लिए आ रहा है, यहां पर हु आ रहा है कंट्रोल्स के लिए,
तो यहां पर हम हु ना बोलते हुए यहां पर हम बोलेंगे विच, ठीक है। तो सी और डी पार्ट में इसमें गलती है, आप एक बार फिर से आराम से देख लीजिए इसको कि फार्मर्स लगा हुआ है यहां पर, तो यहां पर हम लगाएंगे आर, और यहां पर हु पर्सन के लिए आता है तो यहां पर होगा आपका विच। तो सी और डी इसमें गलती होगी, ठीक है। देखिए यहां पर रिप्लेस इज विद आर, रिप्लेस हु विद विच, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। चलिए आगे इस क्वेश्चन को देखिए, इस वीडियो को पॉज कर सकती हैं, कर सकते हैं आप, और इसको पढ़िए पूरा और उसमें आंसर्स निकालिए। तो अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इज पॉपुलेशन, दिल्ली का पॉल्यूशन जी, तो ये सही है, दिल्ली पॉल्यूशन इज बेकिंग वेव एट इंटरनेशनल मीडिया एंड टॉक्सिक एयर। देखिए टॉक्सिक एयर कंट्रीब्यूट लिखा है यहाँ पर, टॉक्सिक एयर कैसा है, सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है कि नाउन यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए, कंट्रीब्यूट्स होना चाहिए। तो इसमें एक तो बी पार्ट में गलती है, ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू द नेशनल कैपिटल रीजन्स रेपुटेशन, ये भी सही है, रीजन्स रेपुटेशन सही है, एज ए हार्डशिप पोस्ट फॉर एक्सपैट्रिएट्स, दिल्ली पॉल्यूशन इज मेकिंग वेव एट इंटरनेशनल मीडिया, नहीं होगा ये, इन इंटरनेशनल मीडिया होगा, क्योंकि एट हम लगाते हैं एक पॉइंट के लिए, और यहां पर हम बोल रहे हैं कि मीडिया में दिल्ली पॉल्यूशन जो है वो मेकिंग वेव्स, मतलब वो एक बड़ी न्यूज बनती जा रही है इंटरनेशनल मीडिया में, तो एट हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए लगाते हैं। तो इसमें ए एक गलती है और एक गलती है आपकी में, ए और बी इसमें आपका सही आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, फोर ए एंड बी, रिप्लेस एट विद इन, रिप्लेस कॉन्ट्रीब्यूट विद कॉन्ट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब एक ये नया क्वेश्चन आपके सामने है और इसको आप देखें, आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट नीड ऑन दिस स्कोर सच एज मोर बसेस फॉर डेली और सब्सिडिंग हैप्पी सीडर इक्विपमेंट फॉर फार्मर्स शुड नॉट बी अवॉइडेड एज दे विल रीपे themselves को हम ऐसे नहीं लिखते, themselves लिखते हैं इसको हम, themselves गलत लिखा है इसमें। तो एक तो डी आपका आंसर हो गया, मैनी टाइम्स ओवर, एक गलती और निकालनी है इसमें, इसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट ऑन दिस स्कोर, इन्वेस्टमेंट दैट इज नीडेड, तो यहां पर आप बोलेंगे इन्वेस्टमेंट दैट इज नीडेड या इन्वेस्टमेंट नीडेड ऑन दिस स्कोर, ठीक है, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट दैट इज नीडेड और इन्वेस्टमेंट नीडेड ऑन दिस स्कोर, तो ए में भी इसमें आपकी पूरी गलती है। तो ए और डी इसमें आंसर होंगे आपके डी और ए, थर्ड आपका आंसर होगा इसमें, ए और डी नहीं दिया, डी और ए दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको कर सकते हैं। इंदिरा गांधी प्लेड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इंदिरा गांधी प्लेड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन बोथ पंजाब एंड कश्मीर इन द अर्ली, देखिए ये अप्लाइड ग्रामर पूछ रहे हैं इसमें आपसे, अर्ली 80 नहीं लिखते हम, अर्ली 80s लिखते हैं, 80s का जब जमाना था तब की बात हो रही है उसमें, तो अर्ली 80s ये गलत लिखा हुआ है। अर्ली 80s सीकिंग टू क्रिएट हिंदू कंसोलिडेशन इन बोथ स्टेट अगेंस्ट अकाली एंड फारूक अब्दुल्ला रिस्पेक्टिवली, इसमें इन बोथ स्टेट्स होना चाहिए यहां पर, एक ये गलती है इसमें, सी बोथ स्टेट्स होगा, और एक ये गलती है बी एंड सी, इसमें आंसर होगा आपका फोर, बी एंड सी, 80 को हम 80s लिखते हैं और बोथ स्टेट को हम बोथ स्टेट्स लिखेंगे, ठीक है। आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको करिए आप और वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। डिमोलिशन ऑफ द मॉस्क वॉज अ क्रिमिनल एक्ट, therefore it would be unreasonable to reward such an act with handling over the site to very people
हुम डिमोलिस्ट इट, यहां पर हुम नहीं आएगा, यहां आएगा हु, ठीक है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्टिव केस में आपको चाहिए हु, हुम होता है ऑब्जेक्टिव केस में, हु होता है सब्जेक्टिव केस में। तो इसमें एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि हु हम जब लगाते हैं जब वर्ब आती है, जैसे नाउन है और नाउन के बाद यहां वर्ब आ रही है, ठीक है, तो तब हम यहां पर हु लगाते हैं। और जब यहां पर इस डिमोलिश के स्थान पर जब कोई प्रोनाउन आता है, ठीक है, तो इस प्रोनाउन का ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, तब हम हुम लगाते हैं। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे पीपल हु डिमोलिश्ड, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लगाते हैं, इसलिए इसका सब्जेक्टिव केस में होना जरूरी है। ये वर्ब है तो यहां पर सब्जेक्ट होना चाहिए और सब्जेक्टिव केस का जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हु है, तो इसलिए यहां पर इसका हु होना जरूरी है। तो एक तो आपका डी इसमें गलती हो गई, और एक हम और देखते हैं, डिमोलिशन ऑफ द मॉस्क वॉज अ क्रिमिनल एक्ट, देयरफॉर इट वुड बी अनरीजनेबल टू रिवॉर्ड सच एन एक्ट। यहां पर एक्चुअली विद नहीं आएगा, यहां पर होना चाहिए बाय हैंडलिंग द साइट। यदि हम उस साइट को ऐसे लोगों को हैंडल कर देते हैं जिन्होंने उस साइट को डिमोलिश किया है, तो यह अनरीजनेबल होगा। मतलब इसमें हम बोलने की ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई मंदिर है या मस्जिद है और किसी व्यक्ति ने उसको डिमोलिश कर दिया, नष्ट कर दिया, खराब कर दिया, और उसकी जिम्मेदारी हम उसी व्यक्ति को दे देते हैं, तो ये पूरी तरीके से अनरीजनेबल होगा, ठीक है। तो यहां पर विथ के स्थान पर आएगा बाय हैंडलिंग ओवर द साइट, ठीक है। तो सी इसमें आपकी गलती हो जाएगी, सी और डी इसमें आपका आंसर सी एंड डी, रिप्लेस विद बाय बाय और रिप्लेस हुम विद हु, ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें भी आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद करें, पहले आप आपकी प्रैक्टिस होगी। चलिए आप देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। एज फॉर व्हाट टू डू विद द साइट्स इट्सेल्फ, श्योर सम क्रिएटिव सॉल्यूशंस कैन बी थॉट, श्योरली होना चाहिए, ये श्योरली सम देखिए यहां पर एक्चुअली वर्ब को आपको मॉडिफाई करना है कि सम क्रिएटिव सॉल्यूशंस कैन बी थॉट, कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशंस को सोचा जा सकता है और ऐसा निश्चित रूप से किया जा सकता है। तो श्योरली सम क्रिएटिव सॉल्यूशंस कैन बी थॉट ऑफ द फॉस्टर्स, नहीं इसमें फॉस्टर से इसका मीनिंग नहीं बनना, कैन बी थॉट ऑफ, सॉल्यूशंस कैन बी थॉट ऑफ दैट, यहां पर एक्चुअली दैट होना चाहिए, दैट फॉस्टर्स रिकंसिलिएशन एंड हार्मोनी। मतलब ऐसे सॉल्यूशन को सोचा जा सकता है जो फोस्टर करता है, जो उसको स्टिमुलेट करता है, जो उसको इनकरेज करता है रिकंसिलिएशन और हारमोनी को। कैन बी थॉट ऑफ दैट, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, निश्चित रूप से ये बैंक पीओ लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें यहां पर एक गलती हो गई आपकी ए में और एक गलती यहां पर हो गई बी में। इसको आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से समझने की कोशिश करना कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि दा के स्थान पर दैट आएगा, क्योंकि वर्ब लगी हुई है वहां पर, दा के आगे एक वर्ब लगी हुई है और वर्ब से पहले हम नॉर्मली दा नहीं लगाते, वर्ब से पहले हम दा नहीं लगाते। तो दैट फॉस्टर्स, ठीक है, ऐसे आप सही बोल सकते हैं, क्योंकि कैन बी थॉट ऑफ के बाद आप दैट लगा सकते हैं जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आप वर्ब लगा सकते हैं। तो इसलिए इसमें ए और बी यानी फोर इसमें आंसर आपका होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस वीडियो को पॉज करें और इसको देखें आप कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। देयर वॉज का कोई मतलब नहीं है, देयर इज ए बज गोइंग अराउंड, मतलब एक न्यूज या एक र्यूमर जो कि मार्केट में चल रहा है या जो कि सोशल मीडिया में चल रहा है। गोइंग अराउंड का मतलब है जो कि चल रहा है, वज का मतलब होता है र्यूमर या शोर शराबा, ठीक है। तो देयर इज वज होना चाहिए, यानी यहां पर इसमें गलती है, ए पार्ट में गलती है। देयर इज वज गोइंग अराउंड सोशल मीडिया दैट इफ यू सफर फ्रॉम क्रॉनिक मस्कुलर पेन ऑफ एनी काइंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्लीप, पुटिंग अ बार ऑफ सोप इन योर बेड, नहीं होगा यहां पर, होगा इन, क्योंकि इन तो क्लोज्ड स्पेस के लिए आता है, ठीक है। सोप के बाद यहां पर आएगा ऑन योर बेड, ठीक है।
ठीक है, तो एक सी पार्ट में आपका गलती है और एक आपका यहां पर ए पार्ट में गलती, ए और सी या इसमें दिया ही नहीं है, ए और सी, ए और हाँ ए और सी ही हैं, ए और सी इसमें नहीं दिया, इसमें ऑप्शन कुछ गलत दिए हैं एक्चुअली, सी एंड ए एक्चुअली ये होना चाहिए, ठीक है, सी एंड ए होगा ये, तो ए फर्स्ट इसमें आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वीडियो क्लास में मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं और ये सारे क्वेश्चन 2017 के IBPS क्लर्क के रियल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस YouTube चैनल पर भी करवाऊंगा और मेरे जो टारगेट बैच चल रहे हैं उसमें तो मैं काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव प्रैक्टिस कराता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस की। तो यदि आप श्योर सिलेक्शन चाहते हैं IBPS क्लर्क में और जम्मू कश्मीर बैंकिंग क्लर्क एग्जाम में, तो उसके लिए हमारे टारगेट बैच इस समय चल रहे हैं, उनको आप ज्वाइन करें और उनके थ्रू आप निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं इन एग्जाम्स में। इसमें मैं पूरा प्री का इंग्लिश और मेंस का इंग्लिश पढ़ाऊंगा, पूरा करंट अफेयर्स एकदम टारगेटेड स्टडी इसमें होती है और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हमारे टारगेट बैच में होती है। उसमें शर्त केवल यही है कि आपका सीरियस होना जरूरी है और आपका अच्छे तरीके से स्टडी करना जरूरी है। यदि आप उसको फॉलो करते हैं हमारे वीडियो क्लासेस को हमारे टारगेट बैच में, तो निश्चित रूप से आप 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से दूसरे स्टूडेंट्स को सफलता मिल रही है क्लरिकल और बैंक PO एग्जाम्स में। तो इन सभी कोर्सेज के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, इनके आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप तुरंत ज्वाइन करें और अपनी सफलता आप सुनिश्चित करें। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।